01204646300। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमाल खान के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि कमाल खान छोटी राजनीति करके टीआरपी में आने की कोशिश ना करें। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। व्यक्ति जाति या धर्म विशेष को किसी भी व्यक्ति जाति और धर्म के लोगों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको आघात पहुंचे। और कमाल खान जी ने यदि ऐसा कुछ भी कहा है तो हम समझते हैं उन्होंने मर्यादाओं को बलाय ताक रखा है। तमाम ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनकी ये धूल भी नहीं है, इसलिए इनको हाथ में रखकर के बात करनी चाहिए। इस तरह की फिजूल की बातें करके अपने को हमेशा सुर्खियों में लाने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। हल्की राजनीति से और हल्के व्यवहार से उनको बचना चाहिए। तो कमाल खान के कमाल के बयान आपने सुनाए, इस पर अब टिप्पणियां आनी भी शुरू हो गई हैं क्योंकि कमाल खान सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा। आशुतोष कौशिक बिग बॉस के विजेता हमारे साथ जुड़े। आशुतोष जी, कमाल खान का जो बयान आया क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो बहुत ही कसरत घटिया लोकप्रियता का पाने का एक तरीका है। और इस तरह के बयान देना, हमारा भारत एक अखंड देश है और यहाँ पे किसी को उसके रंग से भेद से इस तरह की बात करना तो बहुत ही घटिया लोकप्रियता। मैं तो कहूंगा पूरी इंडस्ट्री को कमाल खान जैसे आदमी को बैन ही कर देना चाहिए। जी आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि सुर्खियों में आना चाहते हैं कमाल खान, इसी वजह से ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सुर्खियों में आना चाहते हैं तभी ये हरकत की है, वरना आप किसी के रंग के किसी ब्राह्मण क्या ब्राह्मण परिवार के बच्चे काले नहीं होते हैं या मुस्लिम परिवार के बच्चे काले नहीं होते? ऊपर वाले की देन है, जिसको जैसा बना दिया रंग दे दिया वैसा उसको उसके पास आ गया, तो उन्होंने उसमें खुद थोड़ी कुछ किया है। तो इस तरह किसी के बारे में रंग भेद के बारे में बात करना बहुत ही गलत है। जी आशुतोष जी, आपको क्या लगता है इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? एक साफ तौर पर टिप्पणी की है किसी को लेकर, किसी की शक्ल को लेकर, किसी के काम को लेकर साफ तौर पर टिप्पणी की गई है। ठीक है, आप किसी काम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं वो आपकी अपनी पसंद है, लेकिन आप किसी के रंग को लेकर अगर टिप्पणी कर रहे हैं बहुत गंदी टिप्पणी है और बड़ी ही भद्दी टिप्पणी है ये। जी आशुतोष जी, बिग बॉस में भी कमाल खान आए थे तो उस समय उनका जो बिहेवियर था कैसा रहता था, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, वो किस तरह बिहेव करते थे उस टाइम? जी उसमें भी आपने बिग बॉस में देखा, उसमें भी उनका यही बिहेवियर था, लोगों को गालियां देना, उनके ऊपर बहुत में फेंक के मारना, ये करना, तो एक तरह से लड़ना झगड़ना और वही लड़ाई झगड़े वाली वही लोकप्रियता वही टीआरपी हासिल करना, तो वो बहुत ही गंदी है जो वो हर बार शुरू से यही करते आ रहे हैं। जी तो माना जाए कि ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए किसी पर टिप्पणी करना, लेकिन इस बार उन्होंने धनुष के काम को लेकर सवाल उठाए, हालांकि उनका खुद का करियर भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं अब तक का, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। जी वही है, अब वो धनुष के काम को लेकर बता रहे हैं, धनुष एक अपने आप में सुपर स्टार है, साउथ के सुपर स्टार है, पहली बार हिंदी में आए, बड़ा अच्छा काम किया। और उसके बाद आप, मैं ये भी नहीं कहता आप काम पे सवाल उठाए ना उठाए, आपकी अपनी सोच है, किसी को काम पसंद आए किसी को ना आए, लेकिन जो उनके ऊपर रंग के ऊपर उनके बावले रंग के ऊपर जो टिप्पणी उठाई है बहुत गलत है कि आप ऐसा कोई बच्चा दिखा दें मुझे मुस्लिम हिंदू परिवार में ब्राह्मण परिवार में तो मैं बर्तन दूंगा। तो अरे बहुत बच्चे हैं ऐसे ब्राह्मण परिवार के बड़े बच्चे सामने हैं, लेकिन आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते, किसी को जाति सूचक वर्ड नहीं बोल सकते आप। जी आशुतोष जी, उन्होंने पूरी फिल्म की स्टार कास्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी टिप्पणियां की है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो तो सभी पे करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो ऐसा कभी आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, ये तो पहली बार ये बात सामने आई है, तो मैं अच्छा है समाचार बस का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये बात को सबके सामने लाया, सबसे बात की इस बारे में, इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। जी आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कमाल खान की खुद की कोई पहचान नहीं है, शायद इसीलिए वो ट्विटर की दुनिया के भरोसे ही अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। बिग बॉस से लेकर फिल्म देशद्रोही तक कमाल का क्या हश्र रहा सबको पता है, लेकिन वो रुके नहीं, ट्विटर पर भी कमाल हदें पार करते दिख रहे हैं। कमाल राशिद खान उर्फ केआरके फिल्म देशद्रोही से चर्चा में आए प्रोड्यूसर एक्टर कमाल राशिद खान देशद्रोही को महाराष्ट्र में बैन कर देने की वजह से केआरके अचानक सुर्खियों में आ गए थे। इसके बाद बिग बॉस में प्रतियोगी के तौर पर भी वो काफी विवादों में रहे।
बिग बॉस में किसी बड़े स्टार की तरह नखरे दिखाने और अपनी राजसी ठाट बाट की शेखी बघारने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले केआरके हमेशा चर्चा में रहे। कमाल ने छोटे मोटे स्टार्स पर निशाना साधने के बजाय बड़े बड़े सितारों पर ताने कसे। शाहरुख से लेकर हुमा कुरैशी तक गंदी गंदी बातें करने वाले कमाल ऐसी ही सुर्खियां बटोरते रहे। एसआरके से खुद की तुलना करने और अपने को उनसे भी बड़ा स्टार बताने वाले केआरके ने एक बार कहा था कि वो इतने भी छोटे स्टार नहीं है कि रेडियो और इंटरनेट वालों को इंटरव्यू दें। अपने को शाहरुख से बड़ा मानने वाले केआरके ने खुद को शाहरुख जैसा साबित करने की कई बार कोशिश की। बॉलीवुड में पब्लिसिटी पाने वालों की अगर बात की जाए तो जो नाम सबसे पहले ऊपर आएगा वो है बी ग्रेड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल राशिद खान का, जो जज्बात के समंदर में बहकर हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिनको पहचानना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। कमाल राशिद खान ने अपने ट्विटर अकाउंट में पीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कमाल ने लिखा था कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालना चाहता हूं और अगर ऐसा हो जाए तो मैं सबसे पहले फ्री सेक्स की पॉलिसी लागू करूंगा, जिसको जहां जिसको किस करना है करे। अपने इस ट्वीट में कमाल ने सारी हदें पार करते हुए पॉर्न स्टार सनी लियोन को भी नहीं छोड़ा। सनी के बारे में बोलते हुए कमाल ने लिखा था कि मेरे पीएमओ ऑफिस में खूबसूरत सनी के साथ सेक्स करने के लिए हर भारतीय को पूरी छूट रहेगी। हर शख्स उसके साथ जब चाहे जहां चाहे सेक्स कर सकेगा। राइटर कहो या एक्टर या फिर प्रोड्यूसर, कमाल ने अब तक सिर्फ एक ही फिल्म बनाई, वो थी देशद्रोही। लेकिन फिल्म का कुछ अता पता नहीं चला तो चल पड़े एक और करियर बनाने, वो भी फिल्म समीक्षक की राह पर। जी हाँ, अब कमाल का सोचना है कि वो फिल्म रिव्यू देकर फिल्म को हिट या फ्लॉप साबित करेंगे। लेकिन फिल्म रांझना को लेकर दिए गए उनके बयान से समझ में आता है कि फिल्मों को लेकर उनकी समझ किस तरीके की है। रांझना हुई हिट, दर्शकों के दिल में उतरी रांझना, कमाल ने साधा निशाना, फिल्म समीक्षक बने जनाब। कमाल खान ने अपने फिल्मी करियर में अब तक एक ही फिल्म की, वो थी देशद्रोही। जितनी नफरत हमारे लिए तुम्हारे दिल में है, उससे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए हमारे सीने में है। कभी यूपी बिहार आकर देखना, मेहमान को भगवान समझते हैं हम। लेकिन अब उनके बयान सुनकर तो यही लग रहा है कि फिल्म का नाम कमाल खान पर सवार हो गया है। देश जहां तरक्की की ओर बढ़ रहा है तो वहीं कमाल अपने ही देश में कमा रही करोड़ों फिल्मों पर लांछन लगाने से बास नहीं आ रहे। ट्विटर पर अपनी नीचता और जातिवाद हमला करके आखिर कमाल क्या साबित करना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कमाल खान ने तो सोनम को शीला दीक्षित और धनुष को अरविंद केजरीवाल नामों से घोषित भी कर दिया। फिल्म की कहानी को अपनी लैंग्वेज में किस तरह बयां करते हैं जनाब कमाल, जरा देखिए तो सही। बन जाते हैं अरविंद केजरीवाल और एक करेक्टर का और जन्म होता है, एक पॉलिटिशियन लेडी जो शीला दीक्षित जी है। अब हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। उमेश जी, कमाल खान की टिप्पणियां आपत्तिजनक, जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या कहा जाए इसके बारे में? खुद भी वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए अब तक, लेकिन फिर भी टिप्पणियां कर रहे हैं दूसरों पर। अमन, क्या है कि कमाल खान जो हैं वो धमाल करने में ज्यादा यकीन करते हैं जी। सस्ती पॉपुलरिटी, सस्ती वो चाहते हैं कि उनको लोग जाने, उनका नाम हो, और इसके चक्कर में क्योंकि उनके पास जिस तरीके के वो बयान जारी करते हैं उनको देखने के बाद तो ये लगता है कि वो बहुत ही कम पढ़े लिखे और एक जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो समीक्षक कम भक्षक ज्यादा लगते हैं। उन वो जिस तरीके की टिप्पणियां फिल्म स्टार्स पे करते हैं, जिस तरीके की वो टिप्पणियां पिक्चरों के ऊपर करते हैं, वो इतनी अभद्र होती हैं और इतनी अश्लील होती हैं कि उनको पढ़ने के बाद कोई भी सामाजिक व्यक्ति रिएक्ट जरूर करेगा जी। जिस तरीके से वो कभी अमिताभ बच्चन के बारे में बोलते हैं, कभी वो धनुष के बारे में बोलते हैं, कभी वो किसी और के बारे में बोलते हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस के बारे में वो अश्लील बातें ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखते हैं। अब जब उनको लगा कि वहां से उनका मन भर गया है तो वो अब आ गए हैं एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करने में। वो बात करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं और अपने फिल्म में उनका डायलॉग है कि कभी यूपी बिहार यूपी में आके देखी कि हम किस तरीके से हमारे लिए जो मेहमान है वो भगवान होता है। ये मेहमान को भगवान की बात करते हैं
ये तो जो इनके उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं जी। ये कहते हैं कि उनके जैसे एक भी पंडित उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जी। उमेश जी, वो डायरेक्टर्स तक पर उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे हीरो को क्यों चुना है, डायरेक्टर्स जो बेहद ही सूझबूझ के साथ। बात डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नहीं है, बात है कि आप एक जाति विशेष के शब्दों को, जिन्हें जाति सूचक शब्दों में कहा जाता है, और आपको किसी व्यक्ति को उस नाम से बुलाने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है जी। आप उस एक जाति विशेष के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं, ट्विटर पर कर रहे हैं, यूट्यूब पर कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेजा जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की सभी लोगों से, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो या दूसरी जातियां हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, इनको जेल भिजवाएं। इनके दिमाग इतने खराब हो चुके हैं, या इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, दुबई में बैठ के ट्विटर के ऊपर ये कमेंट करते रहते हैं और कोई इनको कहने सुनने वाला नहीं है जी। लेकिन उमेश जी, पहले भी ये बहुत सी टिप्पणियां करते रहे हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो जाति विशेष है जिनके ऊपर इन्होंने टिप्पणियां की हैं, उनको इनके खिलाफ सब जगह मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये इंसान जेल में रहने लायक है? जिस तरीके से जानवर को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है या चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है, तो ये भी एक वैसे ही है। इनको भी कहीं जेल में ले जाके बंद करना चाहिए, ताकि ये ट्विटर और फेसबुक पे और यूट्यूब पे लोगों के बारे में अभद्र और जाति विशेष पर टिप्पणियां करनी बंद करें जी। उमेश जी, लगता है कि इस तरीके से ये हीरो बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे, एक विलेन से भी बदतर इनकी छवि बन जाएगी। ये तो विलेन भी नहीं है जी, ये तो विलेन लायक भी नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े विलेन हैं, उनके बारे में कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्होंने किसी जाति विशेष के बारे में भद्दे शब्द इस्तेमाल किए हो, जिस तरीके से ये सरेआम इस्तेमाल करते हैं जी। फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर इन्होंने किस फिल्म हीरो या हीरोइन को छोड़ा होगा? इन्होंने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ऊपर रणबीर, सबके ऊपर इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनके परिवार तक के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उनके निजी संबंधों तक के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं। सुबह उठते ही फेसबुक ट्विटर के ऊपर ये कुछ ना कुछ कमेंट लिख देते हैं। इनको तो उठाकर जेल में बंद किया जाना चाहिए जी। उमेश जी, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री तक बनना चाहते हैं, ऐसी जो ट्वीट भी करते रहते हैं वो अक्सर। देखिए, वो सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। अब वो कल को ये भी कहने लग जाएंगे कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिए, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता जी। उमेश जी, सबने देखा है आमतौर पर बिग बॉस ने भी इनका जो बिहेवियर सामने आया था, बहुत ही मतलब अजीब तरीके का बिहेवियर था। अब इनकी जो टिप्पणियां लगातार सामने आ रही, इससे ये टीआरपी इनकी नहीं बढ़ रही है, पब्लिसिटी नहीं पा रहे, बल्कि इसको खोते जा रहे हैं, शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे वो। देखिए, मानसिक रूप से ये विकलांग हो चुके हैं, इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, इसीलिए रोज ये किसी न किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब इन्हें जब कोई नहीं मिला तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की जी, जो कि बहुत ही गलत है। अभी बीच में एक बहुत ही बड़े साहित्यकार है नंदी, जब आशीष नंदी, उन्होंने जब जयपुर में सिर्फ उस जाति विशेष का नाम ले दिया था तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था, हल्ला मच गया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जमानत के लिए, बेल के लिए, अरेस्ट स्टे के लिए। तो ये क्या बेचते हैं जी। उमेश जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कमाल खान के कमाल के बयान आपने सुने, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड सरकार और सेना के संयुक्त प्रयासों से चल रहा है युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 और सेना के 20 हेलीकॉप्टरों ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सकुशल पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार और सेना के अथक प्रयासों से अब तक 90,000 लोगों को सुरक्षित भेज दिया गया है, वह बाकी बचे 10,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनको भी शीघ्र ही घर भेज दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों को घर तक पहुंचाने के लिए 1,000 बसों एवं 400 छोटे वाहनों की निःशुल्क सेवा। पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क रेल व बसों की सेवा और उन्हें रास्ते के खर्च के लिए 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड आज गंभीर देवी आपदा का सामना कर रहा है। सरकार और सेना प्रत्येक जीवन को बचाने का प्रयास कर रही है। आपदा से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति शासन करेगा
और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का काम भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक जीवन अमूल्य है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। उत्तराखंड सरकार मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा।